देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, केंद्र सरकार जीएसटी का कंपनसेशन देने में तो सक्षम नहीं हो पा रही है और राज्यों को आर्थिक तंगी का मार झेलना पड़ रहा है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने हमारे आरबीआई स्थित बैंक से जो आज तक अलग राज्य होने के बाद या उससे पहले मुझे भी नहीं याद आ रहा है कि ऐसे शक्तियों का दुरुपयोग हुआ हो कि सीधे तौर पर राज्य के खजाने से केंद्र सरकार ने पैसे काटे हों। आज हमारे आर्थिक स्थिति पहले से ही डामाडोल रही है, जो इसमें केंद्र सरकार को पता भी है और जिस तरीके से ये हरकत हुई है, मुझे लगता है ये फेडरल सिस्टम पर बहुत बड़ा कुटाराघात है। और कल ही रात में निर्मला सीतारमण जी ने मुझे चिट्ठी लिखा है और फोन से भी बातें की कि आप लोन ले लीजिए, एक तरफ से पैसे सीधे तौर पर हमारे खाते से निकाल लिए जा रहे हैं और लोन लेने की दबाव डाली जा रही है। आज डीबीसी, जो भारत सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए जो बिजली के मद में रखा था कि सभी राज्यों को लोन लेना है, जब आप इस तरीके से हमारे पैसे काटेंगे तो हम लोन किस बात कर लें। आज कैबिनेट ने इस लोन को लेने से मना कर दिया, खारिज कर दिया। अगर इसी तरीके से आगे भी चलती रही, आज केंद्र उपक्रम कोयला के क्षेत्र में कोल इंडिया बड़े पैमाने पे राज्य सरकार का पैसा हमारा उनसे निकलता है, हमने तो उनका कोयला नहीं रोका। डीवीसी बड़े पैमाने पे हमारे राज्य के पानी का उपयोग करता है, हमने तो उसको नहीं रोका। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से राज पाने के लिए राज्य में झारखंडियों ने आर्थिक नाकेबंदी का उदाहरण भी दिखाया है, कहीं राज्य की जनता ऐसी हालात पर और ऐसी सौतेला व्यवहार पर हमारे खनिज से पूरा देश जगमगाता है, पूरे देश के उद्योग चलते हैं और इस तरीके का व्यवहार निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म का ये उदाहरण नहीं हो सकता। इस विषय पर मैं प्रधानमंत्री जी से बात भी करूंगा, पत्र भी लिखूंगा और इस विषय पर अब मैं पुरजोर से अपना विरोध जताऊंगा और न्याय के लिए जो उचित प्लेटफॉर्म होगा उसका उपयोग किया जाएगा। और तो और बड़ा विचित्र आपको पता चलेगा, जो इन लोगों ने 5600 करोड़ रुपए का बकाया दिखाया है वो पूर्व की सरकार की है, इन्हीं की सरकार की थी। हमारे सरकार बनने के बाद तो हमने डीवीसी को पैसे
कंटिन्यूअस देना शुरू किया था। आखिर उस समय क्यों नहीं इन लोगों ने इस तरीके का काम किया, क्यों उस समय इन लोगों ने सीधे खातों से पैसे नहीं निकाले? ये कहीं ना कहीं गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान करने का है, उनको नीचा दिखाने का मंशा दिखता है। ये छोटी बात नहीं है, हमें वित्त मंत्री कहती हैं हमने पत्र लिखा है इस पर आप गौर फरमाएं। मैंने कहा गौर क्या फरमाएं, अभी आपने पत्र दिया, कल ही आपने पैसे निकाल लिए हमारे खाते से, और वो भी पता नहीं और सब राज्यों का बिजली का कितना बकाया है। मुझे तो लगता है कि सबसे कम बकाया तो झारखंड का ही होगा, और सब राज्यों का, यूपी का और बड़े शहरों का कितना बकाया होगा इसके आंकड़े तो हमारे पास नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कई राज्य हमसे बड़े कर्ज लेके या उधार बकाया लेके बैठे हैं। उनके साथ ऐसा क्यों व्यवहार नहीं हुआ? और शुरुआत हुई तो झारखंड से ही, ये बहुत कुछ संदेश दे रहा है। और इस तरीके से चलता रहा तो मुझे लगता है केंद्र और राज्य की जो संबंध है उसमें खटास बढ़ेगा। वो तो मैंने पहले भी कहा, जब हमने इनको राज्य सौंपा था उस समय हमने डीवीसी का बकाया 0-0 करके हमने दिया था। 5 साल में इन लोगों ने 1 रुपया डीवीसी को नहीं दिया, और 5 साल में इन लोगों ने इतनी बड़ी बकाये खड़े कर दिए, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मुखदर्शक बने रहे। और रघुवर दास जी ने एक ऐसा एग्रीमेंट कर दिया केंद्र सरकार और डीवीसी के साथ, जिसका आज ये नतीजा है कि राज्य सरकार के ऊपर इस तरीके से हमले हो रहे हैं, और इसका हम जवाब भी देने में सक्षम नहीं, लेकिन इसको नए तरीके से हम बात को रखेंगे, नए तरीके से चीजों को आगे ले जाया जाएगा। और अपनी अधिकार हम भीख के रूप में नहीं मांगेंगे, बल्कि अधिकार के साथ लेंगे। घटना है, जो भी घटना होती है सभी घटनाओं की निंदा होनी चाहिए, जो भी गुनहगार होगा बख्शा नहीं जाएगा, सजा उसको निश्चित रूप से मिलेगी। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।